गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना और मनी गुरु में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, और खास तौर पर बजट के बाद आपके लिए क्या कुछ खास है, इस बजट में क्या ऐलान किए गए हैं जिसे होम बायर्स को खुश होने की जरूरत है, और रियल एस्टेट के लिए बजट कैसा साबित होने जा रहा है, और खास तौर पर दिल्ली NCR में सस्ते फ्लैट आप देख रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, कहां पर आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर में कहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इसकी चर्चा भी करेंगे, और साथ ही नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी का भविष्य क्या है। तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साहिल कपूर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीमैक्स, और साथ ही ललित टेक चंदानी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो इन दोनों ही मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ खास है आपके लिए। शुरुआत ललित आपसे करेंगे, बजट का ऐलान हुआ और आपको लगता है कि होम बायर्स के लिए बहुत खुश होने की बात है इस बजट में? नहीं, कोई इतना कोई खास खुश होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर हम बजट को ओवरऑल एक उस पर देखें तो टायर टू और टायर सिटी को ज्यादा बेनिफिट इससे हो सकता है, जो उन्होंने जो एक छोटे साइजेस के घर की हम जो बात की है जिसके अंदर प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं है और सर्विस टैक्स नहीं है 60 मीटर वाले उसमें, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि एक जो एक विजन था गवर्नमेंट का, जो एक विजन था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, तो उसकी तरफ ये थोड़ा सा फोकस्ड बजट है। एक इंसेंटिवाइज किया जा रहा है इंडस्ट्री को कि वो इस तबके के घर बनाए जिसको हम अफोर्डेबल बोलते हैं। और आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे मेट्रोज की, मेट्रोज में उन्होंने 60 मीटर्स की सीलिंग रखी है। 60 मीटर्स की सीलिंग में आप देखेंगे कि मेट्रो में आपको मेरे हिसाब से कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगी, तो इसलिए मेट्रोज का तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन चले जाता है इसमें से। अब रहती है फिर टायर टू टायर थ्री सिटीज जहां पे इसका बेनिफिट हो सकता है। ऑलराइट, तो टायर टू और टायर थ्री सिटीज में इसका बेनिफिट दिख सकता है। कुछ दर्शकों के सवाल भी यहां पर लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विनीत शर्मा गुड़गांव से हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। विनीत, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में, बताइए आपका क्या सवाल है, आप कहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, मैं विनीत शर्मा बात कर रहा हूँ गुड़गांव से। और मैंने एक लास्ट ईयर एक फ्लैट मुझे अलॉट हुआ है 2 BHK। ऑल राइट विनीत, हम सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। मैं कह रहा हूँ मैडम, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर आता है। ओके, और मैडम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं जानना चाहता हूँ सर से। पहला क्वेश्चन तो सर ये है कि मार्केट गुडविल जो अपने बिल्डर की है पाइवेटल इंफ्रा की कितनी है, और ये हमको टाइम से मतलब कैपेबल है कि नहीं, हमने टाइमली पोजिशन दे देगा कि नहीं दे देगा। और सेकंड क्वेश्चन मैम ये कि अपना इस एरिया में जो सेक्टर 83-84 जो गुड़गांव का है जो अभी आई थिंक डेवलप होने जा रहा है, इसमें मास्टर प्लान कुछ दिए गए थे बिल्डर की तरफ से कि कुछ ISBT आ रहा है और मेट्रो के हब आ रहे हैं एंड समथिंग और, तो इनके बारे में ज्यादा रियलिटी है जी। ऑलराइट, तो आपने पिवोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहा है। इस वक्त हमारे साथ साहिल कपूर भी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आपका ये जो आपने प्रोजेक्ट, एक तो दीवान भी है, दीवान प्रोजेक्ट ना, और बिल्डर जो नेम है वो पिवोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिहाज से साहिल ये इनका प्रोजेक्ट कैसा है? और क्योंकि हमेशा बायर के दिमाग में ये बात रहती है कि उनको पोजेशन के लिए ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ जाएगा, तो इनका जो निवेश है, इनका जो फैसला है यहाँ पर निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का, वो कैसा है? जहां तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात है और डेवलपर की बात है, डेवलपर की रेपुटेशन मैं ना ही कहूंगा कि बहुत अच्छी है ना ही बहुत खराब है। अभी जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर पाइपलाइन ही है। फरीदाबाद में फरीदाबाद आई के नाम से इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, रॉयल हेरिटेज के नाम से है, गुड़गांव में 99 सेक्टर में रति सिद्धि के नाम से है, बड़े सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, डिलीवरी अभी इन सब में आ रही है। जहां तक दीवान की बात है, दीवान ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर इनको विनीत जी को अलॉट हुआ है, और सेक्टर 84 ये ऑलमोस्ट आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडर फॉल करता है ये पर्टिकुलर सेक्टर, और इसका जो फ्यूचर है इस सेक्टर का ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे शेपअप हो रहा है। अभी तो फिलहाल ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में डिलेज प्रॉब्लम्स वो चलती आ रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अब ऑलमोस्ट जितनी भी लैंड एक्विजिशन थी वो कंप्लीट हो गई है, जो 1.8 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड लैंड का
वो भी हमने एक्वायर कर लिया है और इस साल के एंड तक पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बट ये मुझे फिलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो जहां तक मेरी बात है पर्सनल थिंकिंग, आई थिंक ये 2 साल 2.5 साल जाएगा अभी और, क्योंकि अकेला ये प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से और प्रॉपर्टीज हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे जिनका फ्यूचर टोटली डिपेंड करता है किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल राइट, तो विनीत को यहाँ पर जिन्होंने प्रॉपर्टी ली उस पर 2 साल और इंतजार करना पड़ सकता है, और जो रीजंस बताए हैं यहाँ पर साहिल कपूर ने, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है, 2 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं अपने इस प्रॉपर्टी के लिए जो आप जिसमें आपने निवेश किया है। ललित, आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि बजट की हम बात कर रहे हैं, क्या है होम बायर्स के लिए खास, और कुछ खास ऐलान भी किए गए हैं, जैसे कि पहली बार घर खरीदने वालों को 50,000 तक छूट का भी प्रावधान किया गया है, आपको लगता है ये ट्रिगर का काम करेगा? नहीं देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको मेट्रो सिटीज में नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं आप लोकेशन से, आप एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी से आप कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। हाँ, जो ये स्मार्ट सिटीज और ये सब चीजें का हुआ है तो वहां पे इनको काफी फायदा मिलेगा। जैसे कि देखिए, ये जो बनाया गया बजट, ये जो भी बना है, ये हाउसिंग फॉर ऑल 2022 के हिसाब से बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा इसको मार्केट को वाइब्रेंट बनाने के चक्कर में ये है। इस समय जरूरत थी सेंटीमेंट्स इंप्रूव करने की, जो कि देखिए मार्केट दो चीजें, एक तो डिमांड एंड सप्लाई करता है, आप बड़ी सिंपल सी बात है कि इन चीजों से मार्केट में एक डिमांड आएगी, एक तबका जो 30 और ये जो एक छोटे घर देख रहा था 1 BHK 2 BHK, तो वो तबका जरूर मार्केट में आएगा, इंक्वायरीज आएंगी मार्केट में, तो मार्केट में हलचल जरूर होगी, और जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है इस इंसेंटिवाइज स्कीम के तहत वो लोग भी बाहर आएंगे। लेकिन एक सेंटिमेंट्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटिमेंट्स पे फोकस करना चाहिए था। रियल एस्टेट बिल जो है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, और मेरे हिसाब से उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस अगर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, अगले दर्शक का सवाल भी लेते हैं। दिल्ली से प्रदीप तिवारी ने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है, और इन्होंने एक्चुअली 2 प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहा है। यहाँ पर इन्होंने BPTP पार्क एलीट फ्लोर सेक्टर 75 ग्रेटर फरीदाबाद में मई 2009 में एक प्रॉपर्टी बुक की, लेकिन जैसा कि हर बायर की परेशानी होती है, इनको पोजेशन अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि 95% पेमेंट तो ये दे चुके हैं, लेकिन कब पोजेशन कब मिलेगा ये परेशानी अभी भी इन्हें सताए जा रही है। अब कब इन्हें पोजेशन मिला था इसकी जानकारी फिलहाल हमें क्लियर नहीं है, लेकिन 2011 अप्रॉक्सीमेटली शायद इन्होंने कहा है। अब बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसी है अगर BPTP स्पार्क एलीट फ्लोर की बात की जाए, ये जानना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या इन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये इस पे हमसे राय लेना चाह रहे हैं। और एक और प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहे इन्होंने, जो कि सेक्टर 37C गुड़गांव का एम्पीरियर विंड फील्ड है, इसमें भी उन्होंने एक प्रॉपर्टी बुक की है, 659 स्क्वायर फीट की, एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, इसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि ये अगर आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो कैसा रहेगा इनके लिए। साहिल, देखिए BPTP की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आई थिंक नेवर एंडिंग है, इनका इकलौता यही प्रोजेक्ट नहीं है जो डिलेड है, बट फरीदाबाद के मेजोरिटी प्रोजेक्ट जो BPTP के हैं वो डिलेड है। जो 75 में प्रोजेक्ट है, सिमिलर नेम से 85 सेक्टर में भी प्रोजेक्ट है फरीदाबाद में, वो भी डिलेड है। इनफैक्ट थोड़े महीने पहले काफी बायर्स सड़कों पे भी उतर आए थे, जनपद में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था BPTP के अगेंस्ट, तो क्रेडिबिलिटी तो नहीं है डेवलपर की बिल्कुल, और काफी डिले हैं प्रोजेक्ट में। और इनफैक्ट जो लोकेशन ग्रेटर फरीदाबाद की है, यहाँ पे इश्यूज काफी देर से आउट से एग्जिस्टिंग है, लिटिगेटेड लैंड पार्सल्स हैं, डिलीवरी डिलेज हैं, और काफी ब्रोकन प्रोमिसेस हैं डेवलपर्स के। ऑलराइट, तो मेरी राय यही रहेगी, थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करिए कि एग्जिट करना है कि रहना है। साहिल, गुड़गांव के एम्पीरिया वर्ल्ड विश फील्ड्स में क्या करना चाहिए ने? देखो, एम्पीरिया भी अगेन एज अ डेवलपर रेपुटेशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि बहुत स्टैंड अलोन कमर्शियल प्रॉपर्टीज ओखला और मोन कोऑपरेटिव में डिलीवर की है, बट लोकेशन जो सी की है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, और उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा द्वारका एक्सप्रेस वे से लिंक्ड है, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो लोकेशन डेवलपर रेपुटेशन ये दोनों बहुत फेवरेबल सिचुएशन में नहीं जा रही है। ऑलराइट, आपने 2 प्रोजेक्ट्स में जरूर इन्वेस्ट किया है
यहाँ पर प्रदीप, लेकिन हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा अच्छी रेपुटेशन नहीं है। आप एक बार सोच समझ कर अपना और भी बाकी एक्सपर्ट्स की राय लेकर इसमें आगे जरूर बढ़ सकते हैं। एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। हमारे साथ झारखंड से मोहम्मद अजरुद्दीन साहब जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है अजरुद्दीन जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप, कहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के मन आपने बनाया? जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरा सवाल ये है, मेरे को प्लान करना है कि मेरे दिमाग में है कि मेरे को अपने लिए फ्लैट या ड्यूप्लेक्स इस टाइप का तो वो खरीदना था। तो मेरे दिमाग में बस ये क्वेश्चन है कि जब मैं खरीदूँ तो मैं ये भुवनेश्वर में खरीदना चाहता हूँ, तो वो भुवनेश्वर उसका सिटी में अगर मैं खरीदता हूँ तो वो इट कॉस्ट अराउंड 25 लैक्स टू 20 लैक्स अराउंड। Alright. तो मैं वहीं पे देख रहा हूँ कि अगर मैं भुवनेश्वर से एडजेसेंट एरियाज है, जैसे उसका खुर्दा है या सिर्फ कटक एरिया में अगर मैं करता हूँ 20 से 15 किलोमीटर का दूर में, तो वहाँ पे मेरे को प्राइस में बहुत वेरिएशन मिलता है। Alright. तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा भुवनेश्वर? तो भुवनेश्वर के इर्द गिर्द आप चाह रहे हैं फ्लैट में इन्वेस्ट करना, फ्लैट या लैंड में? फ्लैट या लैंड में, वही मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये अच्छा होगा कि मैं भुवनेश्वर में इन्वेस्ट करूं या फिर 10 से 15 किलोमीटर दूर में कहीं पे अगर? ऑलराइट, साहिल से अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। साहिल, भुवनेश्वर की उसके थोड़ा सा इर्द-गिर्द अगर ये अपना होराइजन आगे बढ़ाएं, इनको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी 20 से 25 लाख में? हाँ, भुवनेश्वर में इनको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी 20 से 25 लाख के बजट में। इनफैक्ट भुवनेश्वर में सुंदरपाड़ा नाम का एरिया है, वहाँ पे इस बजट में काफी अच्छी ऑप्शन इनको मिल जाएंगी और काफी आई वुड से हैपनिंग डेस्टिनेशन है एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अटाला नाम का एरिया है, वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बाहर जाके इनको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है और काफी प्राइस डिफरेंस मिल रहा है, तो वहाँ जा सकते हैं। बट अगर कनेक्टिविटी इज एन इशू तो मैं नहीं राय दूंगा वहाँ जाने की। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं पटना से, अरविंद। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? थैंक यू स्वाति जी, और साहिल जी को नमस्कार। मैं एक्चुअली ग्रेटर मेरा स्लॉट निकला था RTL 02 इसके लिए 2010 में जीतापुर सेक्टर में जी, 300 स्क्वायर मीटर का, और आपको पोजेशन अब तक नहीं मिल पाया। कब तक प्रॉमिस किया था पोजेशन का? पोजेशन तो वैसे 2 साल के अंदर मिलना था, बट ये अभी तक पोजेशन नहीं मिला है। और आपने पूरी पेमेंट आप कर चुके हैं? हाँ, फुल पेमेंट कर चुके हैं, और उसका मैंने कई बार कोशिश भी की जानने की, पर अभी तक उन्होंने कुछ भी संतोषजनक आंसर नहीं दिया है। ऑलराइट, तो जी हम साहिल से जानते हैं। साहिल, हर बायर की यही परेशानी है कि पूरी पेमेंट इन्होंने कर भी दी है फिर भी पोजेशन नहीं मिला है। जो ग्रेटर नोएडा की ये जो स्कीम है जीटा टू सेक्टर की बात करें, RPS 02 स्कीम, क्या लगता है इसका फ्यूचर कैसा है और पोजेशन इन्हें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? देखो, इन जैसी कई स्कीम्स हैं जिसमें काफी बायर्स फंसे पड़े हैं। मेरी इनसे राय यही रहेगी कि अगर इसी सेम प्राइस पे भी अगर इनको एग्जिट मोड मिलता है, अगर इनका प्रॉपर्टी बिकती है तो अगर निकल सकते हैं तो एग्जिट कर लें, अदरवाइज लॉन्ग टर्म होराइजन अगर लेके चल रहे हैं 2-3 साल रुक सकते हैं, पोजेशन के बाद प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे। अदरवाइज ग्रेटर नोएडा को भी टाइम लगेगा डेवलप होने में, क्योंकि अभी नोएडा भी फुली डेवलप नहीं हुआ है, तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अभी फिलहाल नहीं मिलने वाला है, तो अगर तो एग्जिट पॉसिबल है तो प्लीज एग्जिट करिए। ओके, थैंक यू सो मच साहिल कपूर हमारे साथ मनी गुरु में आज जुड़ने के लिए। और ललित, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे जाना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये सही वक्त है घर खरीदने के लिए? परेशानी तो बहुत है लेकिन हाँ, कर सस्ता होने के संकेत जरूर नजर आ रहे हैं, और इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप को कुछ खास देखते हैं क्या? नहीं, देखिये, डिमांड तो जरूर, ये जो अनाउंसमेंट हुई है बजट में, इससे डिमांड मार्केट में जरूर आएगी, और जब डिमांड आती है और उसके चलते हुए मार्केट में हलचल होती है, मार्केट फिर महंगा की तरफ जाता है, तो इस समय मेरे हिसाब से एक राइट टाइम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का। काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हुई हैं इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, और अगर हम देखें ओवरऑल मार्केट भी देखें बजट को एक तरफ रख के भी, तो इस समय प्राइसेस एकदम बॉटम आउट है, इससे नीचे कोई भी डेवलपर नहीं जा सकता, तो अपनी लॉस में वो कोई आपको प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, तो मेरे हिसाब से राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी, REIT जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो अनाउंसमेंट आई है वो कमर्शियल को भी बूस्ट देगी, बट एक थोड़ा सा फंडिंग का डेवलपर्स के प्रति और एक दूसरा एक सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने लिए कुछ अगर अनाउंसमेंट आती है तो आई थिंक आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। थैंक यू सो मच ललित चंदानी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस एपिसोड में। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले मनी गुरु में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा
ईमेल आईडी है moneyguru@zeemedia.slgroup.com या फिर SMS कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हमारा कोड है। अपना सवाल 5757।